When Animal Matched with Wrong Enemy Part 1। जंगल के राजा को आपने हमेशा ही जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज इस शेर का दिन भी खराब था, जो इसने इस जंगली भैंस को अकेला देख इस पर घात लगा बैठा। लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है। इन दो भैंसों ने इस शेर की ओर दौड़ लगा दी और एक भैंस ने इस शेर को अपने सिंगों से हवा में उठा फेंका। ऐसा इसने दो बार किया, जिससे शेर की अकल ठिकाने आ गई और वो यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझा। अब इस क्लिप को देखने के बाद आप भैंस ही जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होता है ऐसा समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है। यहाँ ये भैंसा हाथियों के इलाके में घुसने की गलती कर बैठा, जिसके बाद हाथियों के झुंड के सरदार ने इस भैंसे को भी अपने सूंड की ताकत का प्रदर्शन करते हुए हवा में उछाल जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी हाथी ने दम नहीं ली, ये भैंसे पर अपने दांतों और सूंड का प्रहार जारी रखा और तब तक भैंसे को नहीं छोड़ा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी लड़ाई को आप जीतेंगे या नहीं, इस बात को आपकी काया नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और आपकी फुर्ती निर्धारित करती है। इस बात का एक उदाहरण आप इस लड़ाई के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जंगली बकरा बिना कुछ सोचे समझे अपने फार्म हाउस में घुसा सांड को भगाने के लिए उससे भिड़ गया। सांड भी इसे छोटा समझकर इससे भिड़ जाता है, लेकिन ये बकरा भी कहां पीछे हटने वाला था। बकरे की हिम्मत और आक्रामक रवैये को देख अंततः सांड इस फार्म हाउस को छोड़ भागने में ही अपनी गलीमत समझते हुए यहाँ से 9-2-11 हो लेता है। ऐसी ही एक लड़ाई शहर की भी देखिए, जहाँ बकरे की हिम्मत के आगे सांड के पसीने छूट गए। दोस्तों इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। एक भूखे शेर को बस शिकारी की तलाश होती है, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो, और अगर ऐसे में इन्हें जेब्रा दिख जाए तो ये तो उसे कुछ इस रूप में देखते हैं। जेब्रे के झुंड का एक सदस्य इस शेर के चंगुल में फंस जाता है। ये जेब्रा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शेर के जबड़ों की पकड़ काफी मजबूत थी। पर ये जेब्रा भी आखिर तक हार नहीं मानता और एक आखिरी कोशिश करते हुए घायल होते हुए भी खुद को शेर के चंगुल से आजाद कर लेता है। चलिए अब जब जंगल के राजा की बात चल ही रही है तो इनकी कुछ और क्लिप्स भी देख ही लेते हैं। यहाँ इस चीते की मती मारी गई थी, जो ये लंगूर और खुद की काबिलियत को समझने में नासमझी कर बैठा। इसे इतनी भी समझ नहीं थी कि ये अपने शिकार को जिस जगह झपटना चाहता है वो उसका पैदाइशी डेरा है, और उसके लिए इस चीते को चकमा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर के बारे में पूछा जाए तो हिरन को इसका दर्जा देना गलत नहीं होगा, और अगर फुर्ती के साथ थोड़ी सी अक्ल भी लगा दी जाए तब तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दिया जा सकता है। ऐसी ही बुद्धिमता का इस्तेमाल करते आप इस एंटीलोप को भी देखिए, जो इस चीते के जबड़ों में फंसने के बाद खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक करता है, और जब चीता इसे मरा हुआ समझकर इसे छोड़ता है ये झटपट उठ खड़ा हो वहां से भाग जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था ना कि डोडो पक्षी कितने जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, यहाँ भी आप वही देखेंगे। इस डोडो के आक्रामक रवैये को देख ये गोरिल्ला भी इनके इलाके से बाहर भाग खड़ा होता है। अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आप एक अजगर को, जो कि एक मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा हुआ था, उसे खुद को आजाद करते देख रहे होंगे। लेकिन अब एक नजर आप इस क्लिप पर भी मार लीजिए।
यहाँ एक मगरमच्छ ने एक अजगर के मुंह को अपने जबड़ों में फंसा रखा है, लेकिन अजगर भी ऐसे कैसे हार मान लेता। इसने भी इस मगरमच्छ को अपनी कुंडली में अच्छे से जकड़ लिया। मतलब हाल वही है, हम तो डूबेंगे जानी, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अब जरा इस घोड़े को देखिए, ये चुपचाप घास का स्वाद ले रहा था, लेकिन सामने इस मगरमच्छ को देख न जाने इसे क्या शरारत सूझी कि ये इस पर लत्ती चलाने लगा। लेकिन दूसरी बार में तो इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। नेवले और सांपों के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके चलते इन दोनों का जब भी सामना होता है तब तब एक घमासान युद्ध तय है। अफ्रीका के एक इलाके में यहाँ एक ब्लैक मांबा का सामना एक नेवले से हो गया, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बेहद ही दिलचस्प और लंबी लड़ाई हुई। अब ये तो हम और आप भी जानते हैं कि एक नेवले के आगे सांप कहाँ टिकते हैं। यहाँ भी वही हुआ, ब्लैक मांबा मारा गया। अब एक लड़ाई ये भी देखिए, जिसमें कुत्ते की हिम्मत ने इन शेरों से इसकी जान बचा ली। अगले पार्ट के डिमांड के लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और आप उस वीडियो को देख सकें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने उस बेल आइकन को टच करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।